अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज गूगल प्ले स्टोर से। खेला जरूर चलाने के लिए पकौड़ी बिकवाने के लिए आपके लोग आए हैं, घूम रहे हैं, आओ ठेला ले लो, इस पे अनुदान है, अपना भी भला तुम्हारा भी भला। तुम ठेला चलाओ, तुम पकौड़ी बेचो, तुम पंचर फटाओ, तुम मजदूरी करो और हम देश पर राज करेंगे। हम लोग चालाक लोग हैं, हम लोग बैंकों से लोन निकाल लेंगे और उसी लोन से हम राजा बनेंगे। कमेंट दो तरह के करने वाले लोग हैं, एक तो आम लोग हैं और एक भक्तगण है। ये भक्ति काल है तो भक्तगणों को तो अपने स्वामी के अलावा किसी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ कहना नहीं है। उनका कथन है कि विकास हो रहा, हमारा सवाल है कि छेटो हवाई अड्डा कैसे बिक गया। पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में योजना शुरू की गई थी ये 4 लेन वाली, उसको अंजाम तक आप नहीं पहुंचा सके, कार्यकाल समाप्त हो रहा। गाजीपुर में 5,000 मैट्रिक टन की क्षमता के 6 गोदाम है, 20,000 मैट्रिक टन क्षमता का वो गोदाम खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि सरकार की मंशा है कि इसके किराए का पैसा हमारे राजनीतिक विरोधी के पास चला जाएगा, इसलिए उस गोदाम को खाली करा लो। खुले आसमान के नीचे तिरपाल में ढाक के रखा गया गेहूं जो सड़ रहा है, ये विडंबना नहीं तो और क्या है? काम करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। रोजगार रोजगार रोजगार, किसकी नौकरी किसका व्यापार, अब कैसे होगा किसानों का उद्धार? तमाम लोग आते हैं और तमाम बातें करते हैं। ये जनपद गाजीपुर है, इसे कृषि प्रधान जनपद भी कहा जाता है। कई तरह के वादे हैं, ना जाने कितने इरादे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। जी धन्यवाद। इस वक्त तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि रोजगार की बातें हो रही हैं, लेकिन गाजीपुर को कृषि प्रधान जनपद कहा जाता है। यहाँ पे सब्जियाँ होती हैं, अनाज होता है, कहा जाता है कि यहाँ की सब्जियाँ बाहर भी जाती हैं, क्या ये सच है? देखिए, कहा तो जरूर जाता है, सच की पड़ताल आप कर सकते हैं। अभी तो जो कहा जा रहा है इस समय, वो ये कहा जा रहा है कि गाजीपुर में किसान जो टमाटर पैदा करता है, हरी मिर्च है, पलवल है या दूसरी साग सब्जी, इसकी खपत का कोई मार्केट नहीं है और कोई उसका तरीका नहीं है जिससे वो किसी मार्केट तक उसे पहुंचा सके। तो इसके लिए कुछ लोग आए हैं आगे, जो कहते हैं कि वो इस कार्य को करेंगे और गाजीपुर के किसानों की तकदीर को संवारने का काम करेंगे। कुछ ही दिनों पहले की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये सिर्फ 2019 का, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर किसी याद हो तो ये 29 दिसंबर 2018 की तिथि है। गाजीपुर के किसानों के बीच में ये कहा गया कि ये प्रबंध हो चुका है कि गाजीपुर का किसान अगर पलवल पैदा करे, अगर टमाटर पैदा करे, मटर पैदा करे या मिर्चा पैदा करे तो ये अब दुबई के मार्केट में बिक रहा है और बिकता रहेगा। ब्रांडिंग तो बड़ी शानदार हुई, प्रचार भी खूब हुए, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सा समय, अभी 19 और 20 गुजरा है, 21 में हम हैं, फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख करके नए लोग आ गए। अब पता नहीं इनको भी माननीय सिन्हा जी ने भेज दिया कि जो हम काम अधूरा छोड़ गए हैं आप जाइए कर लीजिए किसानों के हित में भलाई में। अब इन लोगों ने नए सिरे से कहा है कि हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि किसानों की उपज का सही मूल्य मिले और उसे सही मार्केट तक भेज सके। अभी बेचारे ये लोग दुबई भेजने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी मंडियों तक हम पहुंचाएंगे, वाजिब कीमत दिलाएंगे। अभी देखा जाता है जैसे सर कि
लगातार जो मंडियां बनी हुई हैं उसमें गेहूं पड़ा हुआ है, सड़ा है, तमाम तस्वीरें मीडिया में आती हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि यहाँ की सब्जियां विदेश जाएंगी। आप चूंकि सांसद हैं, आप जमीनी हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। मुझे जहाँ तक मालूम है, किसानों से 50,000 मैट्रिक टन से भी अधिक अनाज गेहूं क्रय किया गया, तौल केंद्रों पर सरकार ने क्रय किया, लेकिन उन गेहूं को रखने के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं। आप देख लो, जा करके पड़ताल कर लो, जमीनी हकीकत। तिरपाल के नीचे, खुले आसमानों में के नीचे तिरपाल ढांक करके ये गेहूं रखे हुए हैं। नीचे से पानी, ऊपर से भी पानी, तिरपालें फट चुकी हैं और गेहूं सड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सड़ा हुआ गेहूं जाएगा कहाँ? देश के उन गरीबों की पेट में भूख की लगी हुई आग को शांत करने के लिए ये भी काफी है। किसान सब्जियां पैदा करते हैं या गेहूं पैदा करते हैं या धान पैदा करते हैं, ये तमाम चीज़ों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए रास्तों की ज़रूरत होती है। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि उनका सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ऐसे में गाजीपुर में फिलहाल सड़कों के ऊपर किस तरह का कार्य हो रहा है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वो सड़क चाहिए जो गाँवों में खेत की पगडंडी से होकर के और मंडियों तक जा रही है, और एक वो सड़क होनी चाहिए जब मंडियों से ये माल किसी बड़े शहर की मंडी तक पहुंचाया जा सके। पिछली सरकार की एक योजना जो 4 लेन बन रही है, उस पर कार्य चल रहा है। कई बार आप लोगों ने ही ये विज्ञापन निकाला कि ये फरवरी में उद्घाटन हो जाएगा, फिर कहा अप्रैल में उद्घाटन हो जाएगा, फिर कहा जुलाई में उद्घाटन हो जाएगा, अब आप अगस्त में उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए कब होता है। सच यही है कि कार्य पूरा नहीं है और अभी बहुत कुछ अधूरा है, बहुत समय लगेगा, लेकिन चुनाव सामने है, ब्रांडिंग होती रहनी चाहिए। एक बैग कह दिया जाना भी कि नहीं अभी नहीं पूरा हो पाएगा, ये उचित नहीं है। अधूरी भी बनी तो क्या हुआ, 5 किलोमीटर उस पे चलिए, 5 किलोमीटर फिर नीचे वाली पे चलिए, फिर टूटी फूटी पे चलिए, फिर कहीं से फिर चलिए, यही होना है। क्योंकि नीयत जो है काम करने की वो अजीब तरह की, कहा गया जो उस कहे हुए को पूरा करिए या नहीं कर पाए तो माफी मांगिए। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब प्रदेश की जनता हिसाब मांगेगी। आप गवाह हो, प्रदेश की जनता ने भली भांति सुना था, खूब आपने प्रचार किया था, मीडिया को बड़े बड़े विज्ञापन मिले थे कि गड्ढा मुक्त बना देंगे उत्तर प्रदेश को। किसी भी विभाग की, आरईएस की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, जिला पंचायत की हो, विकास खंड की हो, किसी भी विधायक विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क, उसमें गड्ढा नहीं होगा। लेकिन कार्यकाल समाप्त हो गया, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है ये देखना है तो क्षेत्र में चले जाइए। 5 साल से भी ज्यादा पहले जो सड़कें टूट के बह गई, जाइए देखिए, सोनाड़ी और रवसड़ा के बीच में पुल बह गया, छोटा सा पुल 10 मीटर का भी नहीं है, आज तक नहीं बन सका। मैं क्या कहूं आपको, जो गड्ढा नहीं भर सकी सरकार, वो विकास की क्या बात कर सकती है। पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में योजना शुरू की गई थी ये 4 लेन वाली, उसको अंजाम तक आप नहीं पहुंचा सके, कार्यकाल समाप्त हो रहा। पिछली सरकार में जमानिया धर्मपुर घाट के बीच में पुल बन के तैयार, उसका अप्रोच नहीं बना सके आप, 5 साल का कार्यकाल बीत गया। क्या कहा जाए, बड़ी बड़ी बातें करना और धरातल पर वास्तविक स्थिति क्या है। किसानों का तो वो बुरा हाल है, आपने सवाल किया, मेरा पूरा जवाब नहीं सुना। आपने कहा
किसानों से खरीदे गए अनाज को रखने की व्यवस्था क्या है? कभी आप सवाल पूछ सकते हैं कि गाजीपुर में 5000 मैट्रिक टन की क्षमता के 6 गोदाम हैं, FCI का अनुबंध है, 20 साल तक 15 साल तक उन गोदामों में अनाज रखेगा और किराया बैंक को देगा, ये सरकार उसका अनुबंध कैंसिल करती है। 30,000 मैट्रिक टन क्षमता का वो गोदाम खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि सरकार की मंशा है कि इसके किराए का पैसा हमारे राजनीतिक विरोधी के पास चला जाएगा, इसलिए उस गोदाम को खाली करा लो। जाके देख लीजिए ये कौन सी जगह है जो गोदाम है, फतुल्लापुर में 30,000 मैट्रिक टन की क्षमता का गोदाम है और आसमान के खुले आसमान के नीचे तिरपाल में ढाक के रखा गया गेहूं जो सड़ रहा है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? काम करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। लोकतंत्र में नौकरशाही आज इतनी हावी है कि जनप्रतिनिधियों की कोई कदर ही नहीं बची। अब लूटा है इन लोकशाही चलाने वाले, मनमानी करने वाले इन अधिकारियों ने, और अपनी कमी का ठीकरा फोड़ा जाएगा माननीय जनप्रतिनिधियों पर कि ये लोग अच्छा काम नहीं किए, इसलिए कहा जा रहा है कि टिकट काटा जाएगा, आधे लोगों का टिकट काटा जाएगा। अब टिकट जिसका कटेगा उसने अच्छा काम नहीं किया या सरकार और सरकार की मशीनरी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? ये जनता सब देख रही है, सब समझती है, सब जानती है। टिकट काट के एक नया चेहरा ला देने से आपकी काम करने की नीयत नहीं थी, आपने रोजी रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं की, आपने इस बुरी तरह महंगाई जो बढ़ी है इस पर नियंत्रण पाने का कोई प्रयास नहीं किया, कानून व्यवस्था की वह जो दुर्गति हुई है उसके सवाल पर आप कान में रुई ठूस के बैठे हैं, खुली छूट दे रखा है आपने अराजक तत्वों को जो जाति विशेष के होकर समाज में अराजकता फैला रहे हैं, आप उन अपराधों के बड़ी बड़ी घटनाओं को छुपा रहे हैं। इसी गाजीपुर जनपद में 18 जून को 15 साल की एक लड़की का अपहरण हुआ, आज तक न लड़की बरामद हुई और न कोई अपराधी पकड़ा गया। बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और बेटी को भी जला दिया जा रहा है, उसकी हत्या भी कर दी जा रही है और आधी रात को उसका शव तेल छिड़क के जला दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में आपसे बात करें, 200 रुपए किलो सरसों का तेल, 225 रुपए किलो रिफाइंड ऑयल, 105-110 रुपए लीटर पेट्रोल, डीजल की कीमत 100 रुपए पहुंचने वाली है, खेतों की जुताई के लिए किसान जो 400 रुपए बीघा रेट था ट्रैक्टर की जुताई का, आज 800 रुपए बीघा और 1000 रुपए बीघा ट्रैक्टर की जुताई देनी पड़ रही है। सूखा पड़ा हुआ है, बिजली मिल नहीं रही है, मिलती है तो दो फेज बिजली मिल रही है, किसानों के मोटर और पंप नहीं चल रहे हैं, ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, सरकारी नलकूपों को बनाने का कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी के साधनों का अभाव है। आप कहते हैं कि हम तो एक स्कीम लाए हैं कि घर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। गाजीपुर जनपद में मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पूछ के जरा बता दीजिए कि पूरे जनपद की लगभग 40 लाख आबादी में कितने गांव हैं जहां आज की डेट में आप पानी की टंकी से, उन पानी की टंकी से जिसके बनाने का आपने सपना दिखाया है, सप्लाई देने का सपना आपने दिखाया है, कहां कहां, किन गांव में, किन ब्लॉक के, किन तहसीलों में, बता दें, 10 गांव का नाम बता दो। कुछ भी नहीं है, सब खोखला। अब आप पानी भी देंगे, उसका मीटर लगाएंगे, बिजली की जैसे बिल वसूल कर रहे हैं उसे पानी का वसूलेंगे? किसान
अपने नहाएगा, अपने पिएगा पानी, अपने मवेशी को नहलाएगा, मवेशी को पानी पिलाएगा, उसका आपको टैक्स देगा, कितना टैक्स वसूलोगे? ये नौबत आ गई है कि लोग निराश हो गए हैं इस व्यवस्था से। तमाम कमेंट्स आते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं वो ये विकास की ओर, विकास की बातें कर रही है, और एक तरफ जो अन्य पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो जातिगत समीकरण में लगे रहते हैं। और आपके ऊपर भी कमेंट किया जाता है, हमारे दर्शकों के कमेंट हैं बहुत सारे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर जातिगत समीकरण नहीं होता तो शायद वो चुनाव नहीं होता, और आगे अगर जातिगत समीकरण नहीं होगा तो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। आपका कहना है जनता की तरफ से कमेंट आता है, कमेंट दो तरह के करने वाले लोग हैं, एक तो आम लोग हैं और एक भक्तगण हैं। ये भक्ति काल है तो भक्तगणों को तो अपने स्वामी के अलावा किसी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ कहना नहीं है। उनका कथन है कि विकास हो रहा, हमारा सवाल है कि छेटो हवाई अड्डा कैसे बिक गया, उनका कथन है विकास में बाधा डाली जा रही, हमारा कथन है कि रेल कैसे बिकी, हमारा कथन है कि आपके बैंक कैसे बिके, हमारा कथन है कि लाल किले को 50 साल के लिए बंधक कैसे रखा, हमारा कथन है कि आप इसका हिसाब दो, आप सत्ता में हो, आप व्यवस्था में हो, आप नीति बनाने जा रहे हो कि रक्षा मंत्रालय की भी जो जमीनें हैं उन जमीनों में जहां छावनियां हैं 17,90,000 हेक्टेयर जमीन, जिसमें से मात्र 1,35,000 हेक्टेयर जमीन पर सेना की छावनियां हैं और बाकी लगभग 16,55,000 हेक्टेयर जमीन आप उसकी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कल कारखाने आप बेच रहे हो, काम क्या किया, बड़ौरा मिल चला दिया कि नंदगंज की शुगर मिल चला दिया? हाँ, ठेला जरूर चलाने के लिए, पकौड़ी बिकवाने के लिए आपके लोग आए हैं, घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां 20 चक्का लेकर घूम रहे हैं, आओ ठेला ले लो, इस पे अनुदान है, अपना भी भला तुम्हारा भी भला, तुम ठेला चलाओ, तुम पकौड़ी बेचो, तुम पंचर सटाओ, तुम मजदूरी करो और हम देश पर राज करेंगे। हम लोग चालाक लोग हैं, हम लोग बैंकों से लोन निकाल लेंगे और उसी लोन से हम राजा बनेंगे। अगर सफल हो गए तो राजा हैं, असफल हो गए तो विजय माल्या हैं। हमारे लिए इंग्लैंड फ्री है, हम मेहुल चौकसी हैं। ये तो है नीति, यही गुजराती नीति है और इसी गुजराती नीति के सहारे व्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, करीब करीब 6 महीने रह गए हैं। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, उत्तर प्रदेश किसकी सत्ता किसका राज, आपका क्या कहना है, किसकी सत्ता या किसका राज? जनता जिसे सत्ता सौंपेगी उसकी सत्ता, और तानाशाही विचार रखने वाले लोगों ने और प्रदेश में विकास के नाम पर आम जनता को लूटने वाले इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तरह प्रदेश में यह भयावह स्थिति बना रखी है, जनता मुक्त होना चाहती है इस राज्य से और जनता चाहती है कि एक ऐसी व्यवस्था आए जिसमें सबका सम्मान हो, और वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की 5-4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। आपकी पार्टी सत्ता करेगी या राज? नहीं, हमारी बात पार्टी व्यवस्था चलाएगी और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। न हम राजा हैं, न राज की बात करेंगे, न हम सत्ता मानते हैं, हम व्यवस्था मानते हैं, हम व्यवस्था की बात करेंगे और व्यवस्था में सबको समान अवसर होगा विकास करने का, आगे बढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे एबीटी न्यूज, कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।